नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिनकी मेहनत से उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया और उन्हें आपने देखा भी होगा एक दिन पहले ही जब वो पद्मश्री ले रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। उनका परिचय मैं आपसे करा देती हूँ। वो रायगढ़ के रहने वाले हैं और रामलाल बरेठ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामलाल जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर। धन्यवाद। रामलाल जी, 88 साल की उम्र में आज भी आप ऐसा नहीं लगता है कि मेहनत बहुत कम करते होंगे या फिर आप एकदम कॉन्फिडेंस खत्म कर चुके हैं? आज भी आपके अंदर का जो विश्वास है वो अद्भुत है और सराहनीय है, इसके पीछे का राज बताइए। क्या है कि अब मैं तो जरा अपने ढंग से जरा बताऊंगा आपको मेरे कला के बारे में, मेरी शिक्षा के बारे में, आगे क्या किया। 7 साल की उम्र से मेरे पिताजी भारत के श्रेष्ठ नर्तक थे रायगढ़ दरबार के। उन्होंने महाराजा साहब के पास में मेरा नाच दिखा दिया। राजा चक्रधर सिंह मुझको अपने पास में रख लिए और मेरा सब दूध बादाम रियाज वगैरह सब का व्यवस्था कर दिए। मेरे पिता के गुरु को ही बुला लिए दरबार में। सुबह 6 बजे अपने बंदिशों को लिख लिख के जो देते थे मेरे पिता याद कराते थे। उन बंदिशों का हस्तक जो है ना, मेरे पिताजी स्वयं बताते थे हस्तक में कुछ गड़बड़ी तो फिर राजा चक्रधर सिंह बताते थे हस्तक को इस प्रकार से ऐसा निकालो बंदिश का। और उसके बाद जलाल महाराज जी फिर वो भी बताते। तीनों गुरुओं शिक्षा मेरी हुई और दरबार में काफी दिनों तक, कई वर्षों तक मैं दरबार में महाराजा के निर्देशन में सीख रहा था गायन वादन तबला पढ़ाई लिखाई सारा चीज। क्योंकि 7 साल की उम्र से मेरे दरबार में चला गया ना, स्कूल की पढ़ाई मेरी दूसरी क्लास तक हुई थी, बाद में प्राइवेट परीक्षा वगैरह देकर शिक्षा कुछ किया थी तक। तो मैं 12 वर्ष की उम्र से कथक के म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने पिताजी के साथ जाया करता था। तो लखनऊ म्यूजिक कॉन्फ्रेंस मेरा पहला मशहूर कथक नृतक तो है ही है आप, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चक्रधर अपने दरबार में नर्तकों में कोहिनूर हीरा मानते थे आपको और काफी ज्यादा मानते थे। तो उस वक्त की कुछ बातें आप हमसे साझा करेंगे क्या? हाँ, दरबार का ना महाराजा साहब जो है ना वो बहुत प्यार करते थे, रियाज कराते थे सुबह से ही, दूध बादाम अपना वो खिलाते थे अपने हाथ से, शुद्ध दूध बादाम पिसवा के गोला बना खिलाते थे। पसनिया पसनिया हुआ करता था, घुंघरू भी दरबार से ही मेरे को मिलता था, बड़ौदा से बना था स्पेशल घुंघरू। वो काफी वजनी रहता था, मेरे घुटने के आधा में आ जाता था उसमें पंजे के ऊपर से। बहुत खूब रियाज कराते थे, हंसता था खूब, आराम कराते थे, दूध पिलाते थे, ये सब बहुत प्यार दिए उन्होंने मेरे को। उस प्यार का कुछ बात मेरे मन में लगा था तो मैंने अपना दरबार के जो ग्रंथों की रचना हुई उस पर अपना कुछ आगे का काम करना शुरू कर दिया। और चक्रधर केंद्र भोपाल में आया सन 81 में, वहाँ आने को बच्चों को सिखाया और मेरे पिताजी भी थे वहाँ गुरु के रूप में सहायक, बाद में गुरु के रूप में रहा, बहुत बच्चों सिखाया यहाँ दिल्ली में तो जगह जगह पूरा भारत के कोने कोने में प्रोग्राम बच्चों को कराया, रायगढ़ के बारे में जानकारी लोगों को मिली। वैसे तो अच्छा, जितना दिखने में खूबसूरत लगता है क्या उतना करने में आसान होता है क्या, ये भी आपसे जानना चाहूंगे कि कितनी कठिनाई, कितनी मुश्किलें, कितनी चुनौतियां आपने देखी है? क्या होता है, विद्यार्थियों से ज्यादा मेहनत गुरु को करना पड़ता है और बहुत परेशानी होती किसी को बनाना ज्ञान देना। और गुरु शिष्य परंपरा की शिक्षा तो बहुत कठिन शिक्षा है ना, इसमें गुरु को बहुत तपस्या करना पड़ता है तब जाके विद्यार्थी तैयार। क्योंकि मैंने गायन भी सीखा, तबला सीखा, आर्थिक स्थिति चक्रधर केंद्र की कुछ ऐसा था तो स्वयं तबला बजाता था, नए नए बच्चे आते थे उनको तबला भी सिखाऊं, ज्यादा दिन टिकते नहीं थे। और उसके बाद में फिर मैं अपना स्वयं तबला बजा के रियाज कराता था खूब पसनिया पसनिया। आप परिवार में कितने लोग थे, कितने सदस्य थे? आप अपने पिता के साथ जाते थे राजा के दरबार,
वहां आपने फिर धीरे धीरे महाराजा के साथ रहकर वहीं पर आपने अपना सब कुछ कथक नृत्य और सारी चीजों की आपने जो है प्रैक्टिस की है। आप कितने भाई थे और फिर क्या आज भी आप किसी के संपर्क में हैं? मेरे तो क्या है, हम लोग 6 भाई हैं, लेकिन क्या है कि मैं भाइयों को सिखाया, सीखे भाई लोग भी, मेरे बच्चे लोग भी सीखे। मेरा बड़ा पुत्र यहाँ बैठा है जो भूपेंद्र, ये तो बहुत अच्छा डांसर है। इनके दीदी जो है बड़ी दीदी मीना, वो तो बहुत अच्छा यहाँ दिल्ली में प्रदर्शन कर चुकी है। और सब बच्चे मेरे परिवार में कला से जुड़े हुए हैं। प्रमुख रूप से मेरा लड़का जो भूपेंद्र है, ये आगे काम कर रहा है, 6-6 बच्चे तैयार कर रहे हैं रायगढ़ के नाम के लिए। सब अपना जुड़े हुए हैं सब, और मैं भी अपना समय समय पे अपना बाहर के वर्कशॉप वगैरह में जाता हूँ अपने भूपेंद्र भाई लड़के को लेकर के, और कई भूपेंद्र वर्कशॉप करता हूँ, बच्चों को ज्ञान देता हूँ। आज आज कथक को जीवित रखना, रामलाल जी, कथक को जीवित रखना कितनी बड़ी चुनौती थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपने कथक को जीवित रखा अपने परिवार में भी, जैसे कि एक नियम कोई भी व्यक्ति बरकरार रखता है, वैसे ही आपने इस कला को बरकरार रखा अपने परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, क्या है कि अब ये तो हमारा अपना कर्तव्य, एक धरोहर है हम लोग का, घराना एक सामने आ रहा है ना, ये चौथा पीढ़ी हमारा लड़के का, हमारे नाती वगैरह भी कर रहे हैं, हमारे बड़े लड़के के लड़का बड़ा लड़का एजुकेशन भी कर रहा है, क्योंकि कथक के क्षेत्र में आजकल आर्थिक स्थिति जो है ना वो बड़ा मुश्किल है, और ऐसा कोई स्थान नहीं बना है सरकार की, कुछ है लेकिन मध्य प्रदेश भोपाल में ही है, स्कूलों में कॉलेज वगैरह है, गर्ल्स कॉलेज में, आर्ट्स कॉलेज में, तो अपना कुछ बच्चों को जो पोस्ट खाली थे ना उसमें है, काम कर रहे हैं, और आर्थिक स्थिति तो इसमें झेलना पड़ता है, जब तक झेलिएगा नहीं तब तक इसको जिंदा कैसे रखेंगे। ज्यादा तक कोई प्रोग्राम तो होता नहीं है, और दूसरी बात क्या है कि बस वो क्लास करिए, बच्चे आते हैं सीखते हैं जाते हैं, और फिर भी अपना संतोष करके आर्थिक स्थिति को कैसे भी करके अपना। अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि जब तक झेलेंगे नहीं तब तक कुछ सीखेंगे नहीं, तो कोई चीज सीखने के लिए पहले आपको उस तरीके से सपना भी पड़ता है। आप कितने रुपए कमाते थे शुरुआती दौर में, आपका आपके कितने बच्चों को आपने कैसे आपने पढ़ाया लिखाया, आर्थिक तौर पे आपने कैसे सब कुछ मैनेज किया? आज जो लोग हमें सुन रहे हैं रामलाल जी, उनके लिए आप एक प्रेरणा है, और मैं चाहती हूँ कि आप उनको बोले कि आप अपने बुरे वक्त में भी मुस्कुरा रहे हैं, और आज तो पद्मश्री हो चुके हैं, पद्मश्री रामलाल जी हो चुके हैं, तो आज भी आप वैसे ही नजर आ रहे हैं। यहाँ ये तो है, झेलना तो पड़ेगा ही। क्या है कि हम लोग की शिक्षा में क्या है, आजकल के बच्चों को भी कुछ नाचने का बड़ा शौक हो गया है, और परीक्षाएं भी देते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह है कई ठो विद्या, यूनिवर्सिटी हो गया, गदर महाविद्यालय हो गया, खैरागर विश्वविद्यालय हो गया, आपका भातखंड संगीत महाविद्यालय, प्रयाग संगीत सब, इसमें डिग्री कोर्स मिलता है, उसमें क्या है सिलेबस के रूप में थोड़ा पढ़ाया जाता है, और वो बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान उनका वहीं तक होता है, थोड़ा थ्योरी या थोड़ा सा कर लिए, लेकिन कलाकार बनना असंभव है जब तक गुरु शिष्य परंपरा में ना सीखे। तो कुछ ही बच्चे ऐसे मिलते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में करके स्टेज के लायक जो है अच्छे कलाकार के रूप में सामने आते हैं, तो उनको भी कठिनाई झेलना पड़ता है, क्योंकि प्रोग्राम तो मिलता नहीं, इसके बाद ट्यूशन ऊपर क्लास व्लास चला के, स्थिति ये बड़ा नाजुक है, नाजुक की स्थिति को झेलने के लिए। आपके बच्चों में से किसी ने ये कहा कि मुझे कथक नहीं करना, मुझे कुछ और बनना है, ऐसा कुछ किसी ने कभी कहा? तो क्या है कि एक अपना घराने को आगे आने के लिए ज्ञान है अपने पास, विद्या फीस तो लेते नहीं है हम अपने बच्चों से, ना लेंगे नहीं वो लोग, है ना कैसा, लेकिन ज्ञान के तो कराना पड़ता है भाई। और फिर आजकल क्या शिक्षा ऐसा हो गया है कि कई विषयों की शिक्षा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में आ गया दुनिया, इंजीनियरिंग के डॉक्टर वगैरह सब पढ़ाई लिखाई में भी काफी खर्चा है, दुनिया भर के सब झेलते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाए और थोड़ा होशियार हो जाए, सर्विस के लायक हो जाए, तो आप एक साइड के रूप में हम कथक को आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ा रहे हैं। सफर,
ये तो अब तक का सफर रहा जो आप बता रहे हैं, और काफी अच्छा भी लग रहा है कि आपने कहां से शुरुआत की, अब कहां तक आ गए हैं। लेकिन मुझे आपसे उस पल को भी जानना है जब आपका नाम अनाउंस किया गया, आप मौजूद थे राष्ट्रपति जी के सामने, वहां पर प्रधानमंत्री भी बैठे थे और हर बड़ा व्यक्ति वहां पर बैठा हुआ था, जब आपका नाम लिया गया उस वक्त की भावना बताइए। और क्योंकि आप वाद्य यंत्र से लेकर आप कई गाने भी गा चुके हैं, कई भजन भी आपने गाए हैं, गायन में महारत आपको हासिल है, तो कुछ ऐसा अपना भाव जो आप व्यक्त करना चाहें। उस समय जब मेरा नाम, मेरे को जब इसकी सूचना मिली तो हमारे बच्चों को मालूम हुआ, पहले वो लोग नहीं बताया, अचानक वो टीवी में आने लगा। छोटा लड़का मेरा पूना में रहता, अच्छा आर्टिस्ट हो भी, कंप्यूटर साइंस लेकर के अमेरिका कंपनी में काम करता है, प्रदीप कहते हैं उसको, प्रदीप बरे, भूपेंद्र बरे, बड़े लड़का, दोनों का अच्छा प्रयास था कि मेरी तपस्या को जान करके कुछ इसके बारे में करें। तो आ गया नाम, मेरा नाम हुआ, मेरे को इतना उत्साह हुआ कि चलो जीवन में जो मैंने कर्तव्य किया, अंतिम में मेरे को इसका बड़ा भाई लाभ हुआ, पद्मश्री का सम्मान पा जाना मेरे लिए बड़ा भाग की बात है, और मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और इस योजना के लिए हमारे देश के हैं, हमारे सरकार को मैं उनका आभार मानता हूं कि जो मुझको इस लायक समझे। अच्छा, आपने हॉल में उस वक्त जब आप गए थे तो आपने वहां किस किस को देखा, जो आपको लगा कि हमने आज तक तो इनको टीवी पर देखा था लेकिन आज मैं अपने सामने देख रहा हूँ। हाँ देखा, अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मेरे परिवार को अच्छा लगा, मेरे मिलने जुलने को अच्छा लगा, जगह जगह से फोन आने लगा, दिल्ली से भी मेरे परिचय के लोग, सब संगीत नाटक अकादमी वाले, कथक केंद्र वाले, जयपुर कथक केंद्र, सब लोगों ने बधाई दिया कि आपको इतने दिन के बाद में पद सम्मान मिला, ये पहली मिल जाना था। मैं बोला जब जागे तब से सवेरा है, आज भी मिल गया तो मेरे लिए है बहुत खुशी की बात है, वही है, ऐसा मैंने सबको संबोधित भी किया। आजकल के बच्चों को जब आप देखते हैं तो आपके मन में क्या आता है, क्योंकि आपने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता के साथ महाराजा के दरबार में जाकर फिर सोचा कि हाँ मेरे पिता यहाँ काम करते हैं तो मुझे भी करना है कुछ, और हमें भाई जीवन गुजारना है तो उसके लिए आर्थिक तौर पे मजबूत करने के लिए आपने अपनी कला का इस्तेमाल किया, फिर आपने उसको आगे बढ़ाया। आजकल के बच्चों को आप देखते हैं जो बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ना ही किसी कला में, ना ही किसी पढ़ाई में, बस फोन में बस जो लगे रहते हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी ये तो है, अब क्या है, अपना अपना क्षेत्र है, अब बच्चों को जो जैसा लगता है सीखते हैं पढ़ते हैं। मैंने भी इसके बारे में एक दफे कथक केंद्र में प्रोग्राम के बाद कुछ बातें हुई तो मैंने कहा भी, बाहर से बच्चे आते हैं इतना बड़ा, दिन रात तपस्या करते हैं, पत्थर में अपना पैर चलाते हैं, रियाज करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन इन बच्चों का डिग्री कोर्स भी होता है। मैं स्वयं परीक्षा में देखा हूँ, अच्छे अच्छे तैयार गुरु इस परंपरा में चला रहे हैं तैयार, लेकिन इन बच्चों को कहाँ तक इनको लाभ मिलने का, कुछ मंच मिलने का ये होता है, ये तो आप ही लोग जानेंगे, इसका भी भविष्य के बारे में कुछ सोचे ताकि बच्चों को ही करा जिंदा रखें। इतनी तपस्या, माँ बाप इतने आशा करके भेजते हैं, अच्छा अच्छा साल जहाँ सीखते हैं, उनको कम से कम कुछ लाभ मिले, ये योजना तो बननी चाहिए। ये तो पूरा हमारे हमारे देश में हमारे संस्कृति को बचाने के लिए हर कॉलेज आज तो कथक को समझने वाले भी कम है ना, जब तक इसका प्रचार प्रसार शिक्षा में नहीं होगा, कॉलेजों में नहीं होगा, हाई स्कूल में नहीं रखेंगे, तब तक इसको जानकारी शौक कैसे होगा और जिंदा कैसे रहेगा। कल के अंधकार लगता है, भविष्य हमारा कितने लोग जिंदा रखेंगे। सही बात है। अच्छा ठीक है, क्योंकि आप गाते भी बहुत अच्छा है तो क्या कुछ आप सुनाना चाहेंगे? क्या अब ठीक है, जो समय है कटा है, जैसा काटे वो काट लिए भाई, परिश्रम तो करना पड़ता है, जब तक खेलिए मत, अपना स्वयं कष्ट नहीं पाएंगे तो उसका फायदा क्या मिलेगा आपको। एक क्षेत्र हम लोगों ने अपनाया, दरबार में सीखे, अपने कला के परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। मेरा छोटा नाती छोटे लड़के का प्रदीप का जो है शरीर अभी पूना में नाचा था, जिसको 6 महीना मैंने तालीम दिया था, पूना वाले देख के जितने विद्यार्थी थे उनके एक बहुत सारे विद्यार्थी 100-150 वो सब नाचे, और हमारे 7 वर्ष का लड़का नाती नाचा तो सारे लोगों ने प्रशंसा किया उसको, सब आते थे कि किस प्रकार से सीखते हो तुमको, इतना अच्छा नाचते, ऐसा बोलते थे।
गुरु चलिए शिष्य ठीक है परंपरा। रामलाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वाकई में 88 साल की उम्र के बाद भी आप इतने मतलब दिल खुश इंसान है कि मजा आ गया आपसे बात करके। और वाकई में कई लोग जो आपको सुन भी रहे हैं उनको बहुत प्रेरणा मिली है आपसे, जो शायद निराश हो जाते हैं, जिनको सफलता हाथ नहीं लगती है, जो सोचते हैं कि अब कुछ नहीं बचा है जीवन में, आप उनके लिए बहुत बड़ा संदेश देते हैं। बहुत शुक्रिया रामलाल जी साथ में जुड़ने के लिए और अपने जो जो भी अपना अनुभव है उसको व्यक्त करने के लिए। आखिर में कुछ कहना चाहेंगे आप? अब यही है कि कला को जिंदा कर रखने के लिए हमने जैसा प्रयास किया, तकलीफ किया, झेला, ऐसी सबको झेलने की जरूरत है आज, ताकि कला हमारी जिंदा रहे और कला को सब लोग अपनाएं और कुछ अपना तपस्या भी करें, कुछ साधना करें और प्रयास करते रहें कि कुछ इसका भविष्य बने सभी लोग। हो सकता है ईश्वर की इच्छा हो आगे कुछ सबका भविष्य बन जाए कला के क्षेत्र में। यही मेरा संदेश है, बिल्कुल, सीखें पढ़ें, खूब कला को बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया रामलाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई और आप ऐसे ही खुश मिजाज और दिल खुश रहें। बहुत शुक्रिया धन्यवाद आपसे बात आप करने के लोग, लिए। आपने जो अवसर दिया मुझको इंटरव्यू के लिए, जो मैंने कुछ है विचार था वो मैंने आपके सामने रखा, इसके लिए बहुत बिल्कुल बहुत आपको धन्यवाद। इसलिए आपने अवसर दिया मुझको, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक।